Assalamu alaikum, dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Calculus of Variations. Aaj Calculus of Variations ka third lecture main aapko deliver karne ja raha hu. Pehle do lecture lene se jinme maine motivations discuss ki thi ki why we should study Calculus of Variations and some physical problems I have discussed with you. और जिनको मैथमेटिकल मॉडल हमने किया था उन फिजिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन अगर हमने डिटरमिन करना है विच डिमांड्स के जो मैथमेटिकल हमने फंक्शनल डिफाइन किया था और फंक्शनल को रिगोरसली मैंने मैथमेटिकली जो है वो लास्ट सेकंड लेक्चर में डिफाइन भी किया था कि अगर हमने उन फिजिकल प्रॉब्लम्स का फॉर एग्जांपल डिटोस प्रॉब्लम्स का या फिर सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन मिनिमम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कवरिंग सर्टन एरिया उनका अगर आंसर डिटरमिन करना है तो वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ द सर्टन फंक्शनल फंक्शनल इनफैक्ट क्या था फंक्शनल इज अ टाइप ऑफ फंक्शन इन विच द इनपुट इज अ फंक्शन इटसेल्फ सो यू कैन इमेजिन दैट इट्स अ जनरलाइजेशन ऑफ द फंक्शंस विच यू हैव स्टडीड इन योर कोर्सेज ऑफ कैलकुलस 1, 2 and 3 और मे बी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस सो कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि हम जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करना सीखेंगे कुछ रिजल्ट्स प्रूफ करेंगे जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में हमें किसी फंक्शनल की बताएंगे कि उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज किन किन फंक्शंस पे हो सकते हैं क्योंकि हमारा फंक्शनल जो है उसका इनपुट जो है अब वो कोई रियल नंबर नहीं है इट्स अ फंक्शन जब ये फंक्शन होगा तो ऑब्वियसली देयर आर इन्फिनिट मैनी इनपुट्स एज अ फंक्शन फॉर अ सर्टन फंक्शनल तो हम ऐसा फंक्शन ढूंढना चाहते हैं ऐसा कर्व इन अदर वर्ड्स ढूंढना चाहते हैं जो कि हमारे उस फंक्शनल को विच इज डिफाइंड बाय यूजिंग द फंक्शंस उनको मिनिमाइज करे या मैक्सिमाइज करे और हमने डिफरेंट फिजिकल प्रॉब्लम्स हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किए थे कि किस तरह फिजिकली प्रॉब्लम्स था और उनको मैथमेटिकली जब मॉडल किया जाए तो फंक्शनल हमारे पास आ रहा था विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल एंड आई हैव डिस्कस्ड डिफरेंट फंक्शनल्स विद यू और फंक्शनल की मैथमेटिकल डेफिनेशन भी मैंने दी थी वो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या थी लेट मी रिकॉल यू जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स के फंक्शनल इज अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ ऐसे सेट से होता है डोमेन उसकी जिसमें फंक्शंस पड़े होते हैं फंक्शनल को इनपुट हम फंक्शन देते हैं आउटपुट जो है एक रियल नंबर आता था अगर आप सेकंड लेक्चर के जो मैथमेटिकल मॉडल्स हमने बनाए थे उनमें आप देखें कि आई हैव रिटन जे ऑफ वाई एंड वाई इज माय फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मे बी एक्स एंड दैट फंक्शनल इज डिफाइंड बाय द इंटीग्रल फ्रॉम सम पॉइंट लेट्स से ए टू बी एंड सम फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स Y, the dependent variable, the curve, and its derivatives. और at the end of the second lecture मैंने ये कहा था कि independent variable एक से ज्यादा भी हो सकते हैं वो भी cases हम discuss करेंगे इस course में Dependent variables जो हैं वो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं Dependent variables के derivatives फर्स्ट ऑर्डर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर तक और सो ऑन एंड सो फोर्थ वो सब जो हैं इस तरह के फंक्शनल जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं एंड वी आर गोइंग टू डेवलप द रिगोरस थ्योरी फॉर सच टाइप ऑफ फंक्शनल्स विच डिमांड्स द मिनिमम फाइंडिंग आउट द मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ दीज फंक्शनल विच आर द विच सीम्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड आज के लेक्चर में हमने क्या करना है कैलकुलस में आपने मैंने आपको रिकॉल भी करवाया था कि अगर फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन हो एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम फॉर दैट रियल वैल्यूड फंक्शन तो आप क्या करते हैं आप डेरिवेटिव जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यू गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इक्वल जीरो करते हैं नाउ इफ वी हैव अ जनरलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल सो How we are going to define the differential of that functional?
अब फंक्शनल की डिफरेंशियल से पहले तो हमें ये डिफाइन करना चाहिए कि भाई फंक्शनल के जिनकी इनपुट फंक्शंस हैं उनकी लिमिट्स हम किस तरह डिफाइन करेंगे। लिमिट्स से आगे अगर अगर लिमिट्स डिफाइंड हो जाती हैं तो आपको पता है लिमिट्स ऑफ अ फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस। अगर वो आपको आता है तो आपकी कंटिन्यूटी भी जो है वो लिमिट पे ही डिपेंड करती है, आपकी डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो भी एक लिमिट ही है। तो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स इन विच फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिफाइन द कंटिन्यूटी रिगोरसली ऑफ फंक्शनल, के फंक्शनल जो है उनकी कंटिन्यूटी क्या है, किस तरह डिफाइन करनी है। अब अगर इफ यू रिकॉल के रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए आपने कंटिन्यूटी किस तरह डिफाइन की है, वी सेड अ फंक्शन इन फॉर्मल वे में हम कहते हैं कि अगर एक फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूस है तो वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन विदाउट रेजिंग आवर टिप ऑफ द पेन और पेंसिल। लेकिन इसी को मैथमेटिशियंस ने रिगोरसली डिफाइन किया बाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लोजनेस। अगर आपको याद हो कि क्या है कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहा हूं, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल सी इफ जो डोमेन में एक्स इक्वल सी है उसके हम अप्रोच करें फ्रॉम द लेफ्ट साइड एज वेल एज फ्रॉम द राइट साइड, देन द फंक्शनल वैल्यूज इन द को डोमेन शुड गो टू द सम फिक्स्ड नंबर एफ ऑफ सी जिसे हम कहते हैं, देन वी विल से दैट दिस इज द कंटिन्यूस। अब इसको मैथमेटिशियंस ने यूजिंग डेल्टा एंड एप्सिलॉन जो है वो इस तरह से हमने डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि व्हाई वी नीड द डेफिनेशन ऑफ यूजिंग एप्सिलॉन एंड डेल्टा, क्योंकि इसकी इनफॉर्मल वे जो है वी से वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट एंड टू द राइट towards the point C and we move close enough. Now for me this close enough may be different and for you maybe this close enough is different. For me maybe 10 centimeter is enough. Okay, if you are 10 centimeter or 10 meters away from me then you are close enough to me. For you maybe 1 meter. तो ये क्लोजनेस की जो टर्म थी इट इज क्वाइट वेग टर्म। सो वी यूज मैथमेटिशियंस यूज द एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन टू ओवरकम दिस क्लोजनेस वेग टर्म इन द कंटिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फंक्शनल्स के लिए वी हैव टू डिस्कस that certain functional is continuous at certain function at certain curve y of x pe let's say continuity check karni hai humne kisi functional ki to hame kya karna padega wo hi idea ki hum us curve ke y of x ke close jana chahenge। अब वो तो पहले तो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शंस में तो एक रियल नंबर था डोमेन में, उसके लेफ्ट और राइट साइड से हम क्लोज जा सकते थे। अब ये तो वाई ऑफ एक्स एक कर्व होगा, अगर हम प्लॉट करें उस कर्व के बाकी जो इन्फिनिट मैनी डोमेन में कर्व्स हैं उस कर्व के क्लोजनेस की जो टर्म है इसे हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट डू वी मीन बाय the closeness of two functions from the domain of the functional। और domain आपको पता है ये अब कोई real numbers नहीं है, complex numbers नहीं है, ये functions हैं defined over a certain domain। ठीक है, तो आज के lecture का objective ये है कि जो mathematical theory हमने future में develop करनी है calculus of variations की, which is in my opinion rather अ टफ थ्योरी, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको मैं वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो द आइडिया ऑफ टूडेज लेक्चर इज दैट वी हैव टू डिफाइन इन सम वे द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लोजनेस ऑफ टू फंक्शंस फ्रॉम द डोमेन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल की डोमेन क्या है, फंक्शंस है, ये बार बार मैं आपको एम्फेसिस करता हूं कि तो क्लोजनेस का जो आइडिया हमने डिफाइन करना है
उस क्लोजनेस के आइडिया को डिफाइन करते हुए आई विल डिफाइन द कंटिन्यूटी एंड सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. टुडे वी आर हैविंग द थर्ड लेक्चर. As I told you earlier that I am going to start with some mathematical basic concepts which will be helpful, and without discussing these concepts you cannot study the calculus of variations. So continuity of a functional, what does it mean? Continuity ko define karne ke liye hame closeness ka concept jo hai wo define karna padega ki kya hai, ki kyunki functional mein आपको पता है कि j ऑफ लेट्स से y इक्वल्स हम डिफाइन करते हैं a टू b सम फंक्शन, a टू b सम फंक्शन f ऑफ x y y प्राइम dx, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शनल को इस तरह डिफाइन करते हैं. सो इनपुट जो है वो हमारी फंक्शंस हैं y ऑफ x. सो वी आर गोइंग टू इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शनल जो है इसको हम डिस्कस करें. द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर फंक्शनल जस्ट एज इट डज फॉर द ऑर्डिनरी फंक्शंस कंसिडर्ड इन क्लासिकल एनालिसिस. एनालिसिस जो है ये हायर सब्जेक्ट है आपका जो है, और आपने लिया भी हुआ है एनालिसिस आई थिंक कैलकुलस का. सो कैलकुलस या एनालिसिस जो है it's the more or less the same things. We study the behavior of the functions in analysis or calculus. In order to formulate the concepts for functionals, we must somehow introduce the closeness, the concept of closeness, how close certain function is to the other functions for elements in the function space. Or functional ke liye aapko pata hai ki hamara jo hai domain jo hoti hai wo ऐसा सेट होती है जिसमें फंक्शंस पड़े होते हैं. एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट डोमेन इज अ फंक्शन. दिस इज मोस्ट कन्वीनियंटली डन बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म. अब ये नॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली एग्जैक्टली सेम है एज वी डिफाइंड द मॉड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू रियल नंबर्स. बट सिंस वी हैव द फंक्शंस नाउ, सो वी आर गोइंग टू डिफाइन द नॉर्म ऑफ अ फंक्शन which will define the distance from the origin of that curve. Aur ye hum define karenge aaj ke lecture. Analogous to the concept of the distance between two points in Euclidean space and the origin coordinates. Ye maine aapko explain kar diya hai ki ye distance jo hai do points ke darmiyan aur coordinates ke darmiyan jo hai wo define karega. Norm jo hogi. अब फंक्शन होगा तो पूरे कर्व का डिस्टेंस हम इन सम वे डिफाइन करेंगे. ऑल्दो इन व्हाट फॉलोज वी शैल ऑलवेज बी कंसर्न विद द फंक्शन स्पेसेस. ऑफ कोर्स इट विल बी मोस्ट कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नॉर्म इन अ मोर जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. अब नॉर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो अगर हमने इंट्रोड्यूस करना है तो हम ज्यादा जेनेरिक और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे. एंड हाउ वी कैन डू इट, वी कैन डू इट बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस. ये जो नॉर्म लीनियर स्पेस है ना, इससे भी आप फेमिलियर हैं. इनफैक्ट आपने लीनियर जबरा के कोर्स में वेक्टर स्पेसेस पढ़ी होंगी. लीनियर स्पेसेस जो हैं ये खास एक पर्टिकुलर टाइप की वैक्टर स्पेसिस होती हैं जिसमें आपका जो स्केलर्स आप जहाँ से ले रहे होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं. ठीक है, लेट मी रिकॉल यू द डेफिनेशन ऑफ अ लीनियर स्पेस. एक्चुअली क्या है, द कॉन्सेप्ट इज कमिंग फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड. फिजिक्स में वेक्टर्स होते हैं. वेक्टर क्वांटिटी हम फिजिक्स में किस तरह डिफाइन करते हैं, अ क्वांटिटी विच हैज अ डायरेक्शन एंड अ मैग्नीट्यूड. उन वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. अगर कोई रियल नंबर हो किसी फिजिकल वैक्टर को मल्टीप्लाई करें, रियल नंबर पॉजिटिव है, अगर 0, 1 के दरमियान है तो वो उसकी मैग्नीट्यूड को कम करता है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है, डायरेक्शन को कोई चेंज नहीं करता. अगर रियल नंबर नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज होती है. इसी तरह फिजिकल वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि वो कमोटेटिव लॉ एडिशन, अगर टू वैक्टर्स को ऐड करें तो ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तो रिजल्टेंट डजंट मैटर. इसी तरह एसोसिएटिव लॉ है कि तीन वैक्टर्स हों
पहले दो को ऐड कर लें, फिर तीसरे को ऐड कर लें, या ऑर्डर चेंज कर दें, इट डजंट मैटर। तो फिजिकल वेक्टर्स का ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैथमेटिशियंस ने इसको जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज किस सेंस में किया कि कोई भी सेट हो, कोई भी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, उसमें आप दो बेसिक रो बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं कि हाउ टू ऐड दीज एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट एंड हाउ टू स्केलरली मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट विद द स्केलर्स, विद द स्केलर्स, और स्केलर्स यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये आपने जो यूक्लिडियन स्पेसिस होती हैं आर एन जो है, ये आपने पढ़ा हुआ है लीनियर जबला में, ये जो है ये आर एन जो है ये एक एग्जाम्पल है लीनियर स्पेसिस की। सो वी आर गोइंग टू डिफाइन लीनियर स्पेस रिगोरसली। अ लीनियर स्पेस इज अ नॉन एम्प्टी सेट वी, इसमें कुछ सेट ऑफ वैक्टर्स होंगे कॉल्ड वैक्टर्स, उसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको वी कॉल इट वैक्टर्स, ऑन विच आर डिफाइंड टू ऑपरेशन, दो ऑपरेशन डिफाइन किए जाते हैं कॉल्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और ये जो है इस स्पेस को लीनियर स्पेस हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो स्केलर्स लिए जाते हैं वो रियल नंबर्स से लिए जाते हैं सब्जेक्ट टू द 10 एक्सियम्स, और ये 10 एक्सियम्स जो हैं ये वही एक्सियम्स हैं जो कि फिजिकल वेक्टर्स विच वी डिस्कस इन फिजिक्स, वो ये एक्सियम्स सेटिस्फाई करते हैं। द एक्सियम मस्ट होल्ड फॉर ऑल वैक्टर्स यू वी एंड डब्ल्यू इन द सेट वी फॉर ऑल स्केलर्स सी एंड डी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ यू एंड वी मस्ट बी इन वी, कमोटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, देयर इज अ नल वेक्टर, जीरो वेक्टर सच दैट यू प्लस नल दैट वेक्टर इक्वल्स द दैट वेक्टर इट्सेल्फ यू इट्सेल्फ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यूक्लिडियन स्पेसेस जो कि आर एन होती हैं ये लीनियर वेक्टर स्पेसेस हैं, 10 की 10 प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई करती हैं। अब आर एन के वेक्टर्स किस तरह के होते हैं, लेट मी रिकॉल यू, ये इस तरह के वेक्टर्स होते हैं, इसमें एन कंपोनेंट्स होते हैं, और लीनियर अलजेब्रा में हम इस तरह लिखते थे एक्स वन एक्स टू सोन एक्स एन, और ये एक्स वन एक्स टू एक्स एन ये सब जो हैं ये रियल नंबर्स हैं। सो दिस इज अ वेक्टर विच हैज n components 1 2 3 so on and so forth, last one is the nth component। इसी तरह pn जो है ये भी आपने पढ़ा होगा कि pn जो है the space of or the set of polynomials of degree n or less, ये भी जो है ये भी 10 की 10 ये axioms जो है ये satisfy करता है। so this is also linear space, ठीक है। अब स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस जो हैं, अगर उसको हमने चेक करना हो कि भाई ये जो है स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस ये भी लीनियर स्पेस है या नहीं है, तो हमें दो बातें बतानी पड़ेंगी कि इनको ऐड किस तरह किया जाए। स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस जो हैं, यानी कि अगर सपोज कि मैं सी ए बी मैं डिफाइन करता हूं द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस हुज डोमेन इज ए एंड बी, ठीक है, जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन, अब उसमें पॉलिनोमियल्स भी आ गए, उसमें साइन और कॉस फंक्शंस भी कंटिन्यूस सिर्फ होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि यार अगर दो डिफरेंट फंक्शंस हों उनको ऐड किस तरह करूं, और मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि अगर दो लेट से कि एफ जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एक जी जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एफ प्लस जी इसको किस तरह डिफाइन करना है। तो कैलकुलस में आपने सीखा हुआ है कि इस इट इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, कि आप f ऑफ x को इवेल्युएट करें एट सम इनपुट प्लस कर दें g ऑफ x को। इसी तरह स्केलरली मल्टीपल c द फंक्शन c f जो है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज जस्ट द स्केलर मल्टीप्लीकेशन c f ऑफ x,
इस तरह आप डिफाइन कर बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज आप ये चेक कर सकते हैं द स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन सब इंटरवल ए बी ए बी आर सम फाइनाइट नंबर्स ऑफ कोर्स अगर इंटरवल है तो ए लेस देन बी है तो उस पे जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन है वो भी लीनियर स्पेस फॉर्म करते हैं तो इनफैक्ट जो फंक्शनल हम फंक्शनल्स की इनपुट जहां से आ रही है वो लीनियर स्पेस है अब मसला हमारा ये था कि हमने क्लोजनेस का या डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट फंक्शनल्स के लिए फंक्शंस के लिए डिफाइन करना था रियल नंबर्स के लिए तो हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू तो वी आर गोइंग टू डिफाइन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक लीनियर स्पेस जो कि मैंने पीछे एग्जांपल्स दिए हैं यूक्लिडियन स्पेसेस है स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल है स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन सम इंटरवल ए बी है अ लीनियर स्पेस वी इज सेट टू बी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू वी वी असाइन अ नॉन नेगेटिव नंबर जिसको हम इस तरह डिनोट करते हैं ये मॉड की जगह हम दो लाइंस जो हैं वेक्टर को एक्स को दो लाइंस के दरमियान मॉड तो सिर्फ एक लाइन होती है लेफ्ट पे राइट पे हम दो लाइंस के नॉर्म को इस तरह डिफाइन करते हैं कॉल्ड द नॉर्म ऑफ एक्स इनफैक्ट ये क्या होता है ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम सर्टेन कोऑर्डिनेट्स उसका जो फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन होता है ओरिजिन से कोई भी जो आपका लीनियर स्पेस है उसका जो ऑब्जेक्ट है एक्स उससे डिस्टेंस होता है उसको इस फंक्शन को ये फंक्शन है नॉर्म इज अ फंक्शन इसको हम कहते हैं कि ये नॉर्म फंक्शन है इफ इट सेटिस्फाइज द थ्री कंडीशंस द फर्स्ट वन कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की का नॉर्म जीरो है सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑब्जेक्ट और द वेक्टर इट्सेल्फ इज द नल वेक्टर अगर कोई रियल नंबर है अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर है कोई रियल नंबर है और द नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इनफैक्ट इक्वल्स रियल नंबर है तो हम नॉर्म नहीं यूज करेंगे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय नॉर्म ऑफ एक्स ये भी बड़ा अच्छा एक्सियम है और एविडेंट है फिजिकल व्यू पॉइंट से The third one, which is the triangular inequality, जिसको हम triangular inequality भी कहते हैं, कि norm of the two elements of the linear space, two objects of the linear space, अब ये x और y जो है, ये Euclidean space के vectors हो सकते हैं, polynomials हो सकते हैं, ये continuous functions हो सकते हैं. The norm of two objects is always less than or equal to norm of the first object x plus the norm of the second object which is the y isko triangular inequality bhi kehte hain aur iski physical motivation yahi hai ki distance between the two points is always less than agar teen points aapke paas hain theek hai to distance is always less than or equal to un dono ko add kare ya phir इस तरह की एनालॉजी जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं इन अ नॉर्म लीनियर स्पेस वी कैन टॉक अबाउट डिस्टेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स बाय डिफाइनिंग द नॉर्म और एक्स माइनस वाई जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई जनरलाइज कर दिया हमने डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को अब यहां पे एक्स और वाई जो है ये फंक्शन भी होंगे फंक्शन भी हो सकते हैं इन केस ऑफ फंक्शनल और ये हम डिफाइन करेंगे कि किस तरह हम नॉर्म जो है इसको डिफाइन करेंगे और तीनों की तीनों एक्सियम्स जो सेटिस्फाई कर रहा हो उसको हम और एक एक ही लीनियर स्पेस पे वी विल सी कि वी कैन डिफाइन मोर देन वन नॉर्म्स नॉर्म तो बस एक फंक्शन है फ्रॉम द लीनियर स्पेस टू द पॉजिटिव रियल नंबर्स जो कि ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं द एलिमेंट्स ऑफ अ नॉर्म लीनियर स्पेस कैन बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी काइंड ये मैंने आपको पहले बता दिया ए जी नंबर्स वेक्टर वेक्टर्स हो सकते हैं डायरेक्टर जैसे फिजिक्स में हमारे वेक्टर्स होते हैं मैट्रिसेस हो सकते हैं फंक्शंस हो सकते हैं
सेक्टर लीनियर स्पेस बस होनी चाहिए, लीनियर स्पेस जो है वो हमने कॉन्सेप्ट जनरलाइज कर दिया. द फॉलोइंग नॉन लीनियर स्पेसेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सब्सिक्वेंट पर्पजेज, फ्यूचर लेक्चर्स में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे. द स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए बी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये लीनियर स्पेस है. अगर यूजल हम करें कि दो फंक्शंस को ऐड किस तरह किया जाता है, ये कैलकुलस में आपने सीखा हुआ है. कोई स्केलर दिया गया हो, रियल नंबर दिया गया हो, किस तरह एक फंक्शन सी ऑफ एफ डिफाइन किया जाता है, ये भी आपने कैलकुलस में किया और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आज के ही लेक्चर में बताया भी था. तो यू कैन चेक दैट ऑल द 10 एक्सियम्स विच वर ऑन द प्रीवियस स्लाइड्स, दीज आर सेटिस्फाइड फॉर द स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस होज डोमेन इज सम इंटरवल ए बी, और इसको डिनोट हम करते हैं सी ए बी, एंड कंटेन्स ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी. दिस इज अ लीनियर स्पेस. 10 की 10 एक्सियम्स जो हैं ये सेटिस्फाई करते हैं. अगर मैं एडिशन इस तरह डिफाइन करूं फंक्शंस की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी, जो कि मैंने पहले बताया कि किस तरह डिफाइन. अब मसला आ गया नेक्स्ट स्टेप कि नॉर्म डिस्टेंस किस तरह डिफाइन किया जाए. द नॉर्म इज डिफाइंड एज, दिस इज द वन वे ऑफ डिफाइनिंग द नॉर्म, कि नॉर्म इस तरह डिफाइन किया. इसको हम, मैंने ये सब्सक्रिप्ट जीरो लिया हुआ है, कुछ बुक्स जो है एक इस नॉर्म का हास एक नॉ इस तरह नाम लेती हैं. सो एनी फंक्शन, अब यहाँ पे ये देखें ये इनपुट जो है ये फंक्शन है. एनी फंक्शन उसका डिस्टेंस हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि भाई वो फंक्शन है, पूरी डोमेन में उसकी वैल्यूज देखें. ये पूरी डोमेन है ना आपकी ए बी, ये वाली पूरी डोमेन है. और इसका क्या मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू लें पूरी डोमेन में उन वैल्यूज का, और जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो नॉर्म, दिस नॉर्म इज इक्वल्स टू दिस वन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फंक्शन जो है y जो है वो डिफाइंड है x square के ऑन द इंटरवल 1 and 2. ठीक है, अब मुझे पता है कि ये y equals x square जो है ये मेरी डोमेन जो है ये पॉजिटिव है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा है. तो इसकी तो एक तो वैल्यू सारी पॉजिटिव रहती हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, इंटरवल के एंड पे. ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और मैंने इंटरवल स्पेसिफिकली 1 और 2 के दरमियान लिया है. तो नॉर्म जो है ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, देन द नॉर्म ऑफ वाई वेयर वाई इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा. अब मुझे पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, एट द एंड ऑफ द इंटरवल, और एंड ऑफ द इंटरवल क्या है, 2 है. तो 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4. सो दिस इज द डिस्टेंस डिफाइंड बाय दिस नॉर्म. ये सिर्फ एक फंक्शन की मैंने आपको एग्जाम्पल दी है. अब अगर इंटरवल यही हो, 1, 2 इंटरवल ही हो, देयर आर इंफिनिट मैनी कंटिन्यूस फंक्शंस. उन सब कंटिन्यूस फंक्शंस हमें पता है कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल, देन इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इनसाइड द इंटरवल. बाउंड्रीज पे भी हो सकता है और इनसाइड द इंटरवल भी हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज अ वे ऑफ डिफाइनिंग द डिस्टेंस ओवर द स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब ये एक और एग्जाम्पल है, जो कि इस एग्जाम्पल में हमने C1 फंक्शंस लिए हैं. C1 फंक्शंस का क्या मतलब है, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था. ऐसे फंक्शंस हैं इसमें जिनकी डोमेन तो ए बी है, लेकिन वो फंक्शन खुद भी कंटिन्यूस है. फॉर एग्जांपल y भी कंटिन्यूस है, फंक्शन y, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेट से x, वो भी कंटिन्यूस है. फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव. तो स्पेस, कंसीडर द स्पेस C1AB, दैट इज द स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन y ऑफ x डिफाइंड ऑन द इंटरवल दिस
which are continuous and have continuous first derivatives. How to define the addition and scalar multiplication of these elements? I am asking a question from you. You should answer that question. उसी तरह ही addition और scalar multiplication define करेंगे जिस तरह calculus में आपने दो या दो से ज़्यादा functions की सीखी हुई है और differentiability की अगर first derivative function का first derivative दो functions हैं उनके first derivative ले लें y plus y1 एक function है y2 एक function है तो इनका derivative हमें पता है हम किस तरह define करते हैं y1 prime plus y 2 prime करते हैं और इस function को किस तरह evaluate करते हैं ये भी हमें पता है y1x plus y2 prime x ठीक है ये calculus में आपने सीखा हुआ है analysis में सीखा हुआ है तो अगर addition of the derivatives derivative इस तरह define किए जाएं और addition उनकी इस तरह define किए जाए by treating them as a function तो हम ये देख सकते हैं कि ये space जो है the space of all continuous functions as well as their first derivatives are also continuous ye ek linear space hai jab ye linear space ho jaye to then we can define the norm on that linear space one of the norm is defined by this formula ye jo yahan pe likha ho kya hai ki ab is space mein restriction kya hai ki function bhi continuous ho aur aapka jo hai uska first derivative bhi continuous ho to humne norm ko we named it norm subscript 1 aur koi bhi function y of x ho ke maximum absolute value of the function on the interval ab plus the maximum value of its derivative at the same interval ab for example लास्ट स्लाइड पे मैंने ये एग्जांपल ली थी y equals x square over the interval 1, 2 अब ये इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है 2x है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू जो है एट द एंड पे है तो आप ये देख सकते हैं कि आपका x square अगर मैं नॉर्म इस फंक्शन की y norm 1 जो है और ये फंक्शन भी कंटीन्यूअस है इंटरवल 1 2 पे और ये डेरिवेटिव भी कंटीन्यूअस है तो y norm 1 क्या होगा द फंक्शंस वैल्यू इवैल्यूएटेड मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 4 बन रही है प्लस इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यूज और फर्स्ट डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू ओवर द इंटरवल 1 2 और ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू एट द एंड ही होगी तो वो भी 2 into 2 4 बन रही है तो फॉर दिस फंक्शंस व्हिच इज कंटीन्यूअस इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज आल्सो कंटीन्यूअस तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है y equals x square ये फंक्शन जो है ये इस स्पेस में चला गया जब इस स्पेस में चला गया हमने नॉर्म इस तरह डिफाइन किया डिस्टेंस इस तरह डिफाइन किया तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो गया 8 आ गया 4 प्लस 4 8 आ गया ठीक है अब दो फंक्शंस जो हैं अगर इस स्पेस में से हो वो हम कहेंगे कि वो क्लोज एनफ हैं कि if both functions themselves and their first derivatives are close enough क्योंकि अगर कोई से दो function है y of x and z of x from this space इसका मतलब है कि उसका function itself continuous है first derivative exist करता है और continuous है तो मैं क्या कह रहा हूं कि for any epsilon अगर y minus yz कोई से दो functions close हैं यानी कि डिस्टेंस जो हमने डिफाइन किया इस सेंस में वो लेस देन एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है एप्सिलॉन जो है ये तो आप मैथमेटिशियन है आपको पता है कि इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर हाउ स्मॉल नोबडी नोस ठीक है लेकिन जीरो से बड़ा है ये पॉजिटिव नंबर है कोई जीरो जो है ये नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर होता है तो y minus z norm 1 less than equal का मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y माइनस z क्योंकि y कोई अगर फंक्शन है
जी को ही अगर फंक्शन है तो वाई माइनस जी को मैं एक नया फंक्शन लिख सकता हूं कि दिस कुड बी ट्रीटेड एज अ न्यू फंक्शन. अगर ये दोनों कंटिन्यूस हैं तो एच भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस और इनके डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होंगे. फॉर एग्जांपल एच प्राइम क्या होगा, वाई प्राइम माइनस जी प्राइम. अब अगर y प्राइम और z प्राइम कंटिन्यूस है तो h प्राइम भी कंटिन्यूस होगा. सो वी दिस y माइनस z फंक्शन विल बी इन द स्पेस c1ab. तो अगर ये नॉर्म जो है लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, इसका मतलब कि ये चीज जो है जो जिस तरह हमने नॉर्म डिफाइन किया कि मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन जो कि y माइनस z है प्लस मैक्सिमम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स जो कि y प्राइम माइनस z प्राइम है इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन. अब अगर दो पॉजिटिव नंबर लेस देन और इक्वल उनकी एडिशन जो है वो एप्सिलॉन से कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो दोनों पॉजिटिव नंबर जो है वो इनफैक्ट लेस देन दैट एप्सिलॉन नंबर है. ठीक है, तो यहां से आई कैन राइट इट एज that absolute value of y minus z less than equal to epsilon or in fact ye maximum value over the interval ab less than equal to b और ये भी जो है मैक्सिमम वैल्यू. इनफैक्ट ये वैल्यू नहीं, अगर मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की है तो ऑफ कोर्स ओवर द इंटरवल बी उस अगर सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो किसी नंबर से छोटी है तो बाकी तमाम नंबर्स पे भी जो है फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होगी. तो ये दोनों इनइक्वालिटीज जो हैं ये ट्रू हैं ओवर द इंटरवल ए बी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज इनकी कम है. अब ये जो है ये क्या है, ये दिस इनइक्वालिटी इज सेइंग कि वाई इज वेरी क्लोज टू द जी and this inequality is saying that y prime is very close to the z prime. और ये हमारा conclusion था कि अगर distance between y minus z is less than epsilon तो function भी close enough होगा जो भी उसका graph हो और उसके first derivatives भी close enough होंगे अगर हम norm इस तरह define करें over this functional space. ठीक है, let see the next slide. अब यही जो है क्योंकि हम calculus of variations में discuss करने जा रहे हैं n time differentiable functions. तो next slide में ऐसी ही example है कि आपकी space of functions जो है और ये spaces of functions जो है ये domains होंगी हमारे functionals की. ठीक है ना, इसीलिए हम ये discuss कर रहे हैं. The space of C and AB consisting of all functions y of x defined on an interval AB which are continuous and have continuous derivative up to order n inclusive n. Yani ke uska first derivative bhi continuous hai, second derivative bhi, third bhi, fourth bhi, so on and so forth. N is some positive number. Nth derivative bhi continuous hai, exist bhi karta aur continuous bhi hai. For example, agar n last example mein jaise n equals 1 tha, n equals 2 ho sakta hai, n equals 3 ho sakta hai, 4, 5, so on and so forth. Ab pehli masla ye hai ki is it linear space, kyunki linear space pe hi hum norm define karne ja rahe hain is course mein. To linear space ke liye hame pata hai ki addition or scalar multiplication humne define karni hai. एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन किस तरह डिफाइन करेंगे, उसी तरह डिफाइन करेंगे जैसे हम प्रीवियसली दो एग्जांपल्स के लिए करते आए हैं. इसमें नॉर्म जो है ऑब्वियसली मोटिवेशन वो ही है जो लास्ट टू एग्जांपल्स हैं. क्या होना चाहिए नॉर्म इसमें फिजिकली मोटिवेशनल, लास्ट एग्जांपल में क्या था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस तो हम ओवर द इंटरवल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं, प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू लेके हम ऐड कर लेते हैं. तो ऑब्वियसली हमारे पास मोटिवेशन, वी हैव द मोटिवेशन. सो एन टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो आई इक्वल जीरो टू एन मैक्सिमम ऑफ ओवर द इंटरवल, मैक्सिमम हम ले रहे हैं
किसका, फंक्शंस का एंड इट्स डेरिवेटिव्स का. अब y जीरो जो होगा इसको किस तरह डिफाइन करना है, ये x जो है ये पावर में नहीं है, ये जो है आपका इनपुट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. y जीरो ऑफ x जो है ये इनफैक्ट y ऑफ x के ही इक्वल है, बाकी सब आपको क्लियर है. i इक्वल्स वन होगा तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव वन x, जो कि हम नॉर्मली प्राइम से डिनोट करते हैं. तो हम इनफैक्ट क्या कर रहे हैं, लेट से n इक्वल्स अगर 3 है तो y नॉर्म 3 जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम b y x मॉड प्लस, अब ये मैक्सिमम मैं बार बार नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है, यहां पे मैक्सिमम फर्स्ट डेरिवेटिव x फर्स्ट डेरिवेटिव का प्लस सेकंड डेरिवेटिव का मैक्सिमम ओवर, और यहां पे सर्कल जो मैं लिख रहा हूं ये मैक्सिमम प्लस ये मैक्सिमम है थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव तक पहुंच के दैट्स इट. अब तीन फंक्शंस के, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने ये कहा था कि अगर y कोई फंक्शन है विच इज क्लोज अंडर द नॉर्म 1 लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, इसका मतलब है कि क्लोज एनफ है, क्लोजनेस का कॉन्सेप्ट जो है हमेशा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 से हम डिफाइन करते हैं. तो पिछली एग्जांपल में हमने कहा था कि y भी क्लोज होगा, y क्लोज होगा z के, यानी कि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्लोज होगा एप्सिलॉन होगा. ठीक है, अब यहां पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहां पे जनरलाइजेशन हो जाएगी. उसी तरह ही अगर ये मैक्सिमम, इफ वी हैव मैक्सिमम ऑफ summation I equals 0 to n maximum over the interval x less than b y I minus z I less than epsilon o, तो ये function भी close होगा, first derivative भी close होंगे, so on and so forth, nth derivative तक सब क्लोज होंगे एक दूसरे के और सब लेस देन एप्सिलॉन होंगे. और एग्जैक्टली सेम आइडिया और सेम लॉजिक से कि ये सब सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एक एप्सिलॉन से छोटा है तो ऑफ कोर्स वो इटसेल्फ जितने मर्जी नंबर्स हों सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो सब जो हैं एप्सिलॉन से छोटे होंगे, एंड विच शोज अस के फंक्शन भी क्लोज है, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्लोज एनफ है टू ईच अदर, सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव सो ऑन एंड सो फोर्थ nth डेरिवेटिव तक सब जो है वो क्लोज एनफ है, इफ दिस अंडर दिस नॉर्म द टू फंक्शंस आर क्लोज एनफ. और क्लोज की डेफिनेशन जो है वो ये है कि नॉर्म ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीज टू फंक्शंस लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन जो है ये हो. Thus, two functions in CAB are regarded as close together if both functions themselves and their derivatives up to n are close enough. So, now we are in a position to define the continuity of a functional at a point. Or at a point, jo hai, wo ek function hoga. Kyunki functional ki jo input hai, wo functions hai. The functional j of y is said to be continuous at the point, ये कोई fixed curve है और ये real number नहीं है और ये that's why ये linear space में से, if for every epsilon greater than 0 there exists a delta, you will find the familiarity, you will be familiar with such type of definition, लेकिन थोड़ा idea जो है वो different है, such that j of y minus j of y hat absolute value less than equal to n epsilon whenever y the norm of y minus y hat is less than equal to delta. Let me put a question.
क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि why we have here absolute value, जो कि हम real numbers के लिए use करते हैं, और यहाँ पे हमने norm use की है. अब ये norm जो है, ये specifically norm, पिछली तीन examples में हमने तीन different norms जो हैं, वो define की हैं, depending upon the functions space, linear space के. अब आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे absolute value क्यों है और यहाँ पे norm क्यों है? यहाँ पे norm इसलिए है obviously कि ये functions हैं, ये कोई real numbers नहीं है. y जो है x function है, y hat जो है ये भी एक fixed function है जिस पे हम continuity check कर रहे हैं. किसकी? इस functional की. functional क्या होता है? स्पेस ऑफ फंक्शन से रियल नंबर्स पे. इसका मतलब है कि जे में जब हमने कोई फंक्शन एज अ इनपुट डाल दिया, आंसर क्या आ रहा है? कोई रियल नंबर आ रहा है. सो दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग हियर एब्सोल्यूट वैल्यू. क्योंकि रियल नंबर्स के लिए तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन टू रियल नंबर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो अगर आपको कैलकुलस में ज्योमेट्रिकल ये एप्सिलॉन डेल्टा की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पता है, तो एग्जैक्टली सेम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमारे पास यहां पे भी है. फॉर एग्जांपल, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि हमारे पास यहां पे क्या है, फंक्शनल है और कह रहा है कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए व्हेन एवर दिस वन. इसका मतलब है कि वाई का कोई कर्व है, ये वाई मैंने प्लॉट किया, और वाई हैट जो है, वाई हैट इतने एक दूसरे के क्लोज हैं, सेम शेप चाहे ना भी हो, वाई हैट मैंने वैसे सेम ही शेप बना दी है, सेम जरूरी नहीं है शेप हो, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम का डिफ, अगर नॉर्म में मैक्सिमम डिफाइन करता हूं तो दिस डिफरेंस जो कि मैं ये स्मॉल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा. अगर ये हो, वाई हैट जो है वाई के इतना क्लोज हो, तो आपका जो फंक्शंस में फंक्शनल की रियल वैल्यू प्लॉट करें तो वो भी क्लोज एनफ होनी चाहिए, विच कुड बी बाउंडेड बाय द एप्सिलॉन. उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन से बाउंड होनी चाहिए. अबव इनइक्वालिटी को, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को, जो फंक्शनल वाली एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको मैं दो इनइक्वालिटीज में लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन मींस माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन एप्सिलॉन. एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टी जो है मॉड की, ये मैं यूज करके आई कैन राइट दिस वन और एंड आई कैन राइट दिस वन. ठीक है, अब अगर रादर देन के दिस, अब ये इस इनइक्वालिटी से मेरे पास ये दोनों मैंने लिखी हैं, एक्चुअली इसकी दो पार्ट्स से, दो पार्ट्स को मैंने अलग अलग कर लिया. रादर देन के ये सेटिस्फाई हो, ये दोनों सेटिस्फाई हो, ऐसे भी फंक्शनल हो सकते हैं जिनके लिए सिर्फ ये सेटिस्फाई हो रही हो, ये वाली जे ऑफ वाई माइनस जे ऑफ हैट y hat greater than minus epsilon हो, तो ऐसे फंक्शनल जिनके लिए सिर्फ ये सेटिस्फाई हो रही हो, ये ना सेटिस्फाई हो रही हो, हम कहते हैं कि दिस फंक्शनल इज लोअर सेमी कंटिन्यूस. लोअर सेमी कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एट y hat. अब ये भी हो सकता है कि ये वाला फॉर सम फंक्शनल ये ट्रू हो इनइक्वालिटी, ये ट्रू ना हो. उस तरह के फंक्शनल्स को हम कहते हैं कि दिस फंक्शनल इज अपर सेमी कंटिन्यूस एट वाई हैट. ये फंक्शनल जो है अपर सेमी कंटिन्यूस है एट वाई हैट. ठीक है, ये फ्यूचर में हमें ये कॉन्सेप्ट्स जो है ये चाहिए होते हैं, क्योंकि फंक्शनल्स जो है ये जिनकी मिनिमाइजेशन हमने करनी है, इट्स अ वाइड रेंज ऑफ क्लास, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस हों. तो लोअर सेमी कंटिन्यूस और अपर सेमी कंटिन्यूटी जो है, इस इन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करेंगे.
Let us see what is the remark written here. We have talked about linear spaces, yes, and functional defined on them. However, in many variational problems, we have to deal with H functionals defined on sets of functions which do not form linear spaces. अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो physical problems होते हैं, वो may be continuous now functionals. That's why we need to define the lower semi-continuity concept and upper semi-continuity concept. अब इसी तरह ये जो h है, h को हम admissible function कहेंगे. मैं अभी explain करता हूँ कि what does it mean, admissible function क्या है. तो वो functions जो हैं वो linear space से maybe now. In fact, the set of functions of curves satisfies the constraints of a given variational problem called the admissible function. ये जो h normally हम admissible functions जो हैं ये क्या होते हैं अभी मैं explain करता हूँ. ये linear space से जरूरी नहीं है कि ये linear space से हों. Let me explain the सबसे पहले admissible functions क्या होते हैं. Second lecture में हमने ये सीखा था कि हमने इन इस तरह के problems discuss करने हैं कि कोई से दो points हैं. The for example the minimum distance between these two points A and B. There are so many curves, infinite many curves. तो हम क्या करते हैं? हमने जो functional बनाया था, J of Y बनाया था. अब जितने भी curves possible हैं, infinite many curves possible हैं. अगर ये plane में है, तो मैं पता है कि straight line shortest distance होगी और इसको हम साबित करेंगे आज के lecture में या next lectures में. J of Y हमने define किया था. अब अगर मैंने इस कि वेरिएशन चेक करनी है, जैसे हम कैलकुलस में करते थे, तो मुझे आई शुड ऐड सम फंक्शन एच ऑफ एक्स. अब ये एच जो है ये फंक्शन है एच ऑफ एक्स. अब मेरा ये आई एम लुकिंग फॉर ऑप्टिमल, यानी कि A और B के दरमियान डिस्टेंस मिनिमम हो, इस तरह का कर्व मुझे चाहिए और A और B से पास करने वाला कर्व चाहिए. तो ये जो स्मॉल फंक्शन है, इस पे एक नेचुरल कंडीशन आती है कि भाई H ऑफ A, अगर यहां पे ये A वैल्यू है, यहां पे X इक्वल स्मॉल A है, तो यहां पे स्मॉल A कर लें, ये भी जीरो होना चाहिए. H of B ये भी जीरो होना चाहिए. ये फंक्शन ये जो है ना H of X फंक्शन, ये वेरिएशन है इन माय फंक्शनल. तो H of A और H of B जो है ये जीरो होना चाहिए. अगर ये जीरो नहीं होंगे तो Y plus H जो वेरिएशन है मेरी फंक्शनल में, ये इंटरपोलेट नहीं करेगी. ये कर्व जो है न्यू कर्व, ये इंटरपोलेट नहीं करेगा ए और बी को. ठीक है, तो मुझे तो ऐसा कर्व चाहिए जो कि ए और बी को ए बी से पास करने वाला हो. तो ये कंडीशन जो है ये मैं अपनी स्मॉल वेरिएशन फंक्शन जो है एच ऑफ एक्स पे ये हमेशा मैं लगाया करूंगा कि एच ऑफ ए और एच ऑफ बी जो है वो जीरो है. अब मेरा एच क्या है? एच स्मॉल वेरिएशन है. अगर मैं प्लॉट करूं तो एच ये वेरिएशन हो सकती है और यहां पे बी पे भी ये पॉइंट एक्स इक्वल्स बी है. तो एच जो है एक्स इक्वल्स, ये एच को मैंने प्लॉट कर दिया, ये जो है छोटा सा ये एच ऑफ एक्स है. तो एच जो है वो स्मॉल वेरिएशन है जिसमें एच ऑफ ए भी जीरो है, ये एच ऑफ ए है, फिर वेरिएशन स्मॉल वेरिएशन और एच ऑफ बी भी जीरो है. अब मुझे आप ये बताएं कि ग्राफ y प्लस h जो होगा इसका ग्राफ क्या होगा? ऑब्वियसली ये अगर y का ग्राफ है तो स्मॉल वेरिएशन ऐसे विच कोरस्पॉन्ड्स टू दिस वन, ऐसे ये मैं रफली बना रहा हूं. ठीक है, स्मॉल वेरिएशन और b एंड पॉइंट इसका भी y प्लस h ऑफ a, ये y ऑफ
ए ही होगा जो कि ये पॉइंट है, y प्लस h ऑफ b, ये y ऑफ b ही होगा जो कि दिस पॉइंट है. तो स्मॉल वेरिएशन ये है. इस तरह की वेरिएशंस जो है फंक्शनल में वो हमने डिस्कस करनी है जब हम क्राइटेरिया डिफाइन करने जाएंगे कि कोई फंक्शनल जो है इसकी मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन कब होती है. ये तो एडमिसिबल फंक्शन लास्ट स्लाइड की रिमार्क में आया था, इसलिए मैंने आपको ये सारा जो है ये बता दिया, और ये बार बार हमने रिकॉल करना है ये जो मैंने आपको बताया. तो एडमिसिबल फंक्शन जो होता है ये उसी डोमेन में से होता है, उसी सेट में से होता है, उसी लीनियर स्पेस में से होता है अगर हो तो, जिसमें से ये वाई होता है. ठीक है, अब हमने लेट अस डिफाइन द कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शनल जो कि इस स्लाइड पे है. गिवन अ नॉर्म लीनियर स्पेस वी, लेट फॉर ईच एलिमेंट एच बिलोंग्स टू वी बी असाइंड अ नंबर फाई ऑफ एच, एक रियल नंबर, यानी कि फाई ऑफ एच जो है ये फंक्शनल हमने डिफाइन कर दिया. v कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस थी, फाई ऑफ एच फंक्शन इनपुट दिया फाई को, फाई ऑफ एच विल बी अ रियल नंबर, दैट इज फाई इज अ फंक्शनल डिफाइंड ऑन v, देन फाई ऑफ एच इज सेट टू बी कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल. ये एक्चुअली ये भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम हर चीज को जनरलाइज कर रहे हैं. देखिए कॉन्सेप्ट जो आपके आ रहे थे कैलकुलस के उनको जनरलाइज कर रहे हैं. अब लीनियर अलजेब्रा में इफ यू रिमेंबर आपने लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर अलजेब्रा में जो पढ़ी थी एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर केस था, यहां पे अब हम जनरलाइज कर रहे हैं. वो क्या थी उसकी कंडीशन, बिल्कुल यही कंडीशंस थी जो पहली दो कंडीशंस हैं आपके लीनियर कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शनल होने की जो है. और कंटिन्यूअस ऑफ कोर्स इसलिए आ रहा है कि थर्ड कंडीशन जो है वो हमने इंपोज की है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो. अब लीनियर फंक्शनल्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं. जैसे लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस थी, और लीनियर अलजेब्रा में ट्रांसफॉर्मेशंस को हम इस तरह लिखते थे, और ये यूक्लिडियन स्पेसेस के दरमियान होती थी, आर एन से फॉर एग्जांपल आर एम, और इनको लीनियर अलजेब्रा में जनरलाइज भी हमने किया था किसी भी वेक्टर स्पेस से वी वेक्टर स्पेस से डब्ल्यू वेक्टर स्पेस पे. अ फंक्शन विच सेटिस्फाइज दीज टू प्रॉपर्टीज इन केसेस के लिए ये हमने डिस्कस की हुई है लीनियर अलजेब्रा में. तो लीनियर फंक्शनल्स भी एग्जैक्टली उसी तरह हैं. और कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल क्या है कि वी इम्पोज द कंडीशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑल्सो. अब आपके लिए कुछ होमवर्क है मेरे पास. होमवर्क क्या है, सेकंड लेक्चर में हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी, कुछ फंक्शनल्स डिफाइन किए थे. आप उन सब फंक्शनल्स को चेक करें वेदर दीज फंक्शनल्स आर लीनियर और नॉट. ठीक है, अब लीनियर होंगे एवरी फंक्शनल वेदर विल बी अ लीनियर फंक्शनल और नॉन लीनियर फंक्शनल. तो लीनियर फंक्शनल होगा तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अल्फा कोई भी रियल नंबर हो, एच कोई भी लीनियर नॉर्म स्पेस से फंक्शन हो, phi of alpha h equals alpha phi of h होगा, phi of h1 plus h2 equals phi of h1 plus h2 separately. ये amazing result है. यानी कि देखें एक domain में आपके पास h plus h1 आ रहा है, ये domain है आपकी, और phi इस तरह defined है, ये codomain है आपकी, और कोडोमेन में आपका फाई ऑफ एच वन भी होगा, फाई ऑफ एच टू भी होगा, लेकिन ये भी एक एलिमेंट है डोमेन का, इसका फाई जो है फाई ऑफ एच वन प्लस एच टू वो कोडोमेन में इन दोनों को ऐड कर लें उसके इक्वल है,
हर फंक्शनल के लिए ये ट्रू नहीं होगा, ये एक खास किस्म के लीनियर फंक्शनल हैं जिनको हमने नाम दिया लीनियर फंक्शनल का, और फाई कंटिन्यूस और कंटिन्यूटी जो है वो हमने डिफाइन कर ली है. एग्जाम्पल, इफ वी एसोसिएट विद ईच फंक्शन एच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी ए बी, सी ए बी आपको पता है ये क्या है, इट्स वैल्यू एट अ फिक्स्ड पॉइंट, कोई भी पॉइंट इंटरवल में फिक्स्ड कर लें, उसको वैल्यू से असाइन कर दें, देन दिस इज अ लीनियर फंक्शनल. आप चेक कर सकते हैं कि फाई अल्फा एच बाय डेफिनेशन क्या होगा, एच एच ऑफ अल्फा एक्स नॉट. अब जो है ये इजीली अल्फा जो है कुड बी रिटन आउटसाइड और एंड वी विल हैव फाई ऑफ एच. क्योंकि फाई को डिफाइन किया गया है किस तरह के जो इनपुट है उस पे आपका जो है इवेल्युएट किया जाए एक्स नॉट पो. इनपुट क्या है, अल्फा एच. तो अल्फा एच को, इनफैक्ट यहां पे मैंने एच लिख दिया, अल्फा एच को, अल्फा एच को आपने इवेल्युएट करना है एक्स नॉट पे. तो अल्फा एच, अल्फा रियल नंबर है, अल्फा एज इट रहेगा, एच जो है वो फंक्शन है, एच विल बी टेकन एज द एक्स नॉट जो है वो इनपुट एच पे आएगी. ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई. लेट सी द सेकंड कंडीशन. अगर आपके पास दो फंक्शन हो, फाई ऑफ एच वन प्लस एच टू, तो बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, फाई की डेफिनेशन है कि एक्स नॉट फिक्स्ड पॉइंट जो है उस पर इवेल्युएट करें इनपुट को. इनपुट यहाँ पे क्या है, एच वन प्लस एच टू, एच वन प्लस एच टू इवेल्युएटेड एट एक्स नॉट, और दैट विल बी एच वन एक्स नॉट प्लस एच टू एक्स नॉट. ये मेरा फाई ऑफ एच है, ये मेरा फाई ऑफ एच टू है, हेंस दिस इज अ लीनियर फंक्शनल. कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूटी भी आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल है जो कि हम डिस्कस करेंगे कि ये लीनियर फंक्शनल है या नहीं है. अब आप देखेंगे सेकंड लेक्चर में जो हमने फंक्शनल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के कॉरस्पॉन्ड डिफाइन किए थे वो इससे इसी तरह के थे, लेकिन उसमें यहाँ पे सम फंक्शंस, वो आप यू कैन चेक वेदर दीज फंक्शनल्स आर लीनियर और नॉट. दिस इंटीग्रल डिफाइन्स अ लीनियर फंक्शनल ऑन सी ए बी. लेट्स चेक करें फंक्शनल डिफाइंड किस तरह. पहले हमने ये चेक करना है कि फाई अल्फा एच इक्वल्स अल्फा फाई ऑफ एच. फर्स्ट कंडीशन ये है. सेकंड कंडीशन है फाई एच वन प्लस एच टू इक्वल्स फाई ऑफ एच वन प्लस फाई ऑफ एच टू. लेट्स सी दिस वन, फर्स्ट कंडीशन को. फाई अल्फा एच, फाई ऑफ एच इस तरह डिफाइन किया, तो फाई ऑफ अल्फा एच जो है ये बाय डेफिनेशन क्या होगा, इंटीग्रल ए टू बी अल्फा एच एक्स डी एक्स. अब अल्फा रियल नंबर है ये मुझे पता है कि दिस विल बी इक्वल्स ए टू बी अल्फा एच ऑफ एक्स डी एक्स. अब अल्फा रियल नंबर है, अल्फा कुड बी टेकन हेयर ए टू बी एच ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, एंड अल्टीमेटली बाय डेफिनेशन ऑफ फाई ये क्या है मेरा, ये फाई ऑफ एच है. सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइज. सेकेंड कंडीशन के लिए डेफिनेशन क्या है, फाई ऑफ एच वन प्लस एच टू की.
कि जो भी इनपुट है फाई की फंक्शनल की उसको आप इंटीग्रल ए टू बी एच वन प्लस एच टू इवेल्युएटेड एट एक्स, एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डी एक्स, इसको करें। अब हमें पता है कि ए टू बी दिस इज इन फैक्ट इक्वल्स एच वन एक्स प्लस एच टू एक्स और ये डी एक्स इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन की हमें प्रॉपर्टीज पता है ए टू बी एच वन एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी एच टू एक्स डी एक्स। बाय डेफिनेशन ऑफ फाई ये क्या है, फाई ऑफ एच वन प्लस फाई ऑफ एच टू, ये जो है दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स कि ये एक लीनियर फंक्शनल है। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई विल सजेस्ट यू कि जो हमने सेकेंड लेक्चर में मैथमेटिकल मॉडल्स के कोरस्पोंड लीनियर फंक्शनल डिफाइन किए थे, दे मे बी लीनियर और मे नॉट बी लीनियर, उनको प्लीज चेक करें कि दे आर लीनियर और नॉट। कुछ मे बी लीनियर हों, कुछ मे बी नॉन लीनियर हों, ठीक है। और लीनियर फंक्शनल की एग्जाम्पल्स जो हैं ये मैं आपको बता ही रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर डियर वंस। अल्लाह हाफिज़।